हेलो गाइज, आप सभी का दोबारा से एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल पर भाई और बहनों, आप सभी के लिए एकदम न्यू अपडेट हम लेकर आ चुके। आपको बताने वाले हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़ी हर एक जानकारी आपको मिल जाती है। उसी प्रकार से हरियाणा में ऑफर लेटर आने शुरू हो चुकी है। आपको पता है कि आपको बार बार जो भी अपडेट आते रहते हैं आपको बताते रहते हैं, उसी प्रकार से हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर ऑफर लेटर आने शुरू हो चुके हैं। सभी जल्दी से देखो कौन कौन से जिले के आए हैं ये भी आपको बताएंगे। ऑफर लेटर कौन कौन सी भर्ती के आए हैं ये भी आपको बताएंगे। आज कारण का फॉर्म भरने वाले सभी भाई और बहन जल्दी से देख लो, क्योंकि आपके लिए अच्छा अपडेट लेकर आ चुके हैं। आपको पता होना चाहिए कौन कौन से जिले के ऑफर लेटर जारी हो चुके हैं, कौन कौन सी भर्ती के ऑफर लेटर आ चुके हैं, क्योंकि आप फॉर्म लगा देते हैं आपको पता नहीं चल पाता है या आपको अपडेट नहीं मिल पाता है। तो मुझे कॉमेंट करके पूछ लिया करो, कोई भी किसी प्रकार का पैसा नहीं लगता है। आप कॉमेंट किया करो, बेझिझक होकर एक बार नहीं तीन बार कॉमेंट कीजिए, आपका रिप्लाई आएगा। आप टेलीग्राम पर मैसेज करना चाह रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके मुझे आप टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। हर एक डाउट, हर एक जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसके बारे में आपको बताएंगे, हर एक सॉल्यूशन आपको देंगे। तो ऑफर लेटर कौन कौन सी भर्ती के आए हैं एक बार आपको दिखा देते हैं, बता देते हैं, वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे। ओके, मेरे सभी भाई और बहनों को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा ये डेवलपमेंट जो ऑफर लेटर है ये आप सभी के सामने मैं लेकर आ चुका हूँ। एक बाई का रहने वाला है जिसके अंदर मैन पावर डेवलपमेंट जो ऑफर लेटर आप सभी के सामने जारी हो चुका है। भाई और बहनों, ये लेटर आपने देख भी लिया होगा और आपको मैं बताना चाहूंगा जिसके अंदर क्या लिखा गया है। सारी चीजें लिखी गई है, टेक्निकल एसोसिएट असिस्टेंट जो लाइनमैन के फॉर्म आए थे, आप सभी को याद है बिजली विभाग में जो लाइनमैन के फॉर्म अप्लाई करवाए गए थे, उसी के ऊपर ये जॉब रोल आपके ऑफर लेटर जारी हो चुके हैं। हरियाणा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा फतेहाबाद का ऑफर लेटर आप सभी के सामने देख सकते हैं। टेक्निकल एसोसिएट असिस्टेंट जो लाइनमैन नाम को बोलेंगे, जिसका ऑफर लेटर जारी हो चुका है। इस भाई की ज्वाइनिंग रहने वाली है 20 अक्टूबर को, 20 तारीख की इसकी ज्वाइनिंग है, जिसके अंदर आपका ज्वाइनिंग डेट भी डाल रखा है और कब तक ये भर्ती पर ज्वाइन कर पाएगा ये भी लिख रखा है। जिस जो आपका ज्वाइनिंग डेट तो 20/10 तक है, अगर आप डिले करते हैं तो 2/11 तक भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बाद में आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। जिसके अंदर आपका रिक्रूटमेंट डाल रखा है, सैलरी आपको मिलने वाली है 18,900 रुपए, जिसके अंदर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ईएसआई ईपीएफ एंड जो आपके जो एडिशन सैलरी वगैरह है ये सारी चीजें आपको बता दी गई है। 18,900 रुपए आपको सैलरी दी जाएगी। तो बिजली विभाग का ऑफर लेटर आप सभी के सामने है। दूसरा एक और ऑफर लेटर आपको मैं दिखा देता हूं जिसके अंदर डेवलपमेंट ऑफर लेटर ये भी आपको दिख रहा होगा। ये कौन से जिले का रहने वाला है, सेम आपका मैन पावर डेवलपमेंट का रहने वाला है, क्योंकि जो भाई और मेरी बहन जो भी मेरे से टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हुए हैं उनको हम हर एक अपडेट जारी करते रहते हैं और उनके जो भी ऑफर लेटर वगैरह आते रहते हैं वो भी हमसे शेयर करते रहते हैं, वो आपको बताते रहते हैं। तो भाई और बहनों, ये भी सेम आपका असिस्टेंट लाइनमैन के पोस्ट का रहने वाला है। ये रहेगा फरीदाबाद का, फतेहाबाद का आ चुका है, फरीदाबाद का आ चुका है और सारे हरियाणा का आ चुका है। दक्षिण हरियाणा के अंदर जो भी जिले आते हैं सब बिजली विभाग के जो असिस्टेंट लाइनमैन के पोस्ट के लिए अप्लाई किए थे सबके ऑफर लेटर जारी हो चुके हैं। फरीदाबाद का आपको दिखा दिया, फतेहाबाद का दिखा दिया, टेक्निकल एसोसिएट की जो पोस्ट आप सभी के सामने रहने वाली है, जिसकी ज्वाइनिंग डेट इन्होंने क्या डाल रखी है 20/10/2023 के जो ज्वाइनिंग है इनका भी सेम रहने वाला है। 31/7/2023 तक आपका जो कार्यकाल रहेगा वो 31/7/2024 तक रखा गया है। सैलरी आपको दी जा रही है 22,300 रुपए और इसके बाद में आपका जो ऑफर लेटर है वो आगे बढ़वाया जा सकता है। अच्छे से काम करेंगे तो आपका जो टाइम पीरियड है वो आगे बढ़ जाएगा, अभी आपका 31/7/2024 तक रहेगा। हर बच्चे का अलग अलग रहेगा, हर जिले का अलग अलग रहेगा, टाइम पीरियड जो भी फिक्स नहीं होता है वो उसके ऑफर लेटर में लिख कर आता है। तो भाई गुरु बहनों, जिले वाइज जो भी ऑफर लेटर आते रहते हैं वो भी हम आपको बताते रहते हैं, कोई स्पेशल भर्ती के ऑफर लेटर आते हैं वो भी आपको जानकारी देते रहते हैं, तो आपके ऑफर लेटर की हर एक जानकारी आपको प्राप्त होती रहती है। फिर भी कोई भी डाउट रहता है, कुछ भी चीजें समझ में नहीं आती है, तो बिल्कुल हैरान होने की चीजें नहीं है, बिल्कुल आराम से आप पूछिए, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा, जो भी डाउट रहेगा जो भी इशू रहेगा उसके बारे में बताएंगे। तो ये ऑफर लेटर की जानकारी रहने वाली थी और पीएन वालों के अभी तक ऑफर लेटर जारी नहीं हुए हैं। काफी मेरे भाई बार बार मैसेज करते रहते हैं कि पीएन के ऑफर लेटर कब आएंगे, पीएन के ऑफर लेटर कब आएंगे, एक ही मैसेज बार बार टाइप करते रहते हैं। तो मैं उनको बताना चाहूंगा पीएन के भी ऑफर लेटर आएंगे, इसी प्रकार से आपको भी जानकारी दे देंगे। अभी फिलहाल पीएन का कोई भी ऑफर लेटर जारी नहीं हुआ है और एक साथ में पीएन के ऑफर लेटर जारी होने की कोई संभावना नहीं है इतनी ज्यादा, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट के अंदर पीएन के 2 बंदे चाहिए 10 बंदे चाहिए, जिस जिले वाइज उसी प्रकार से पीएन के ऑफर लेटर भी जारी किए गए हैं, पीछे भी जारी किए गए हैं।
तो भाई और बहनों, आप एक भर्ती के पीछे मत पड़े रहना कि पीएन के ऑफर लेटर आएंगे, आप सभी के लिए एक साथ लिस्ट जारी होगी, उसी के बेस पर हमें सिलेक्शन मिलेगा। तो जो भी जानकारी आएगी वो आपको बता देंगे। और पीएन के अभी फिलहाल में कोई भी ऐसी जानकारी नहीं मिल पा रही कि आपके किस डेट तक ऑफर लेटर आएंगे, कोई भी स्ट्रिक्ट जानकारी नहीं है। कोई भी यूट्यूबर आपको कुछ भी बताए, परंतु अभी तक कोई भी आपकी ऐसी डेट फिक्स नहीं है। और आने वाले टाइम में कोई भी अपडेट आएगा, सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करेंगे, जो भी जानकारी आएगी आपको बताया जाएगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाले हर एक अपडेट हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो भाई और बहनों, ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।